पर्यटन का अर्थ है घूमना, आनंद प्राप्ति और जिज्ञासा पूर्ति के लिए घूमना, भ्रमण करना ही पर्यटन है। घूमना अपने देश तक सीमित हो अथवा विदेशों तक, यह आपकी आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करता है। विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों की ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं, वहाँ के रीति रिवाजों, भाषा, जीवन दर्शन आदि की यथोचित जानकारी प्राप्त करना पर्यटक के ज्ञान की वृद्धि करता है तथा असीम आनंद भी देता है। ऐसे पर्यटन में सुख ही सुख है। यद्यपि किसी स्थान की जानकारी पुस्तकों के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है, किंतु साक्षात दर्शन का तो आनंद ही अनूठा है। केवल चित्र देखकर हम हिमालय के हिममंडित शिखरों के सौंदर्य से अभिभूत नहीं हो सकते, वहाँ की उपत्यकाओं के अनुपम सौंदर्य का पान नहीं कर सकते, वहाँ के देवदार के घने वनों की गंध का अनुभव नहीं कर सकते। पर्वतीय सौंदर्य की एक झलक पाने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। अपनी आंखों की राह वे ये सौंदर्य पी लेना चाहते हैं। मेघों की धमा चौकड़ी, बहती कलकल करती नदी की धारा, चंचल उछलते इतराते झरने, सब देखते ही मनुष्य बेसुध हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव तो केवल भ्रमण से ही प्राप्त हो सकता है। पर्यटक जीवन की भारी भरकम चिंताओं से दूर होता है। पर्यटन से देश विदेश के खान पान, रहन सहन तथा सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। हमारे मन में बैठे हुए बहुत से अंधविश्वास टूटते हैं। हम अन्य देशों की विशेषताओं को अपना सकते हैं। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में भी पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के अनेक संत महात्मा अपने जीवन में देश विदेश में भ्रमण करते रहे। वे एक स्थान पर कभी स्थायी रूप से नहीं रुकते थे। कबीर, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि स्थान स्थान की यात्रा कर धर्म और संस्कृति का प्रकाश फैलाते रहे। पर्यटन व्यक्ति के विचारों को उदार, उसके दृष्टिकोण को विस्तृत तथा उसके हृदय को विशाल बनाता है। पर्यटन से मनोरंजन के अतिरिक्त स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। यही कारण है कि विशेष दशाओं में चिकित्सक रोगी को पर्वतीय स्थानों पर ले जाने का परामर्श देते हैं। पर्यटन से जलवायु परिवर्तन हो जाता है, जिससे शरीर में नए उत्साह तथा स्फूर्ति का संचार होता है। प्राचीन काल में पर्यटन के लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जितनी आज है। आजकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना अत्यंत सुगम व सरल हो गया है। विभिन्न देशों की सरकारें पर्यटन तथा देशाटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं व रियायतें देती है। विभिन्न देशों तथा स्थानों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी पहले से उपलब्ध रहती है। वर्तमान समय में पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। प्राय सभी पर्यटन स्थलों पर होटलों, भोजनालयों, विश्राम गृहों, मनोरंजन स्थलों तथा यातायात के साधनों की भरमार हो गई है। पर्यटन स्थल भी कई प्रकार के हैं। कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात हैं, कुछ धार्मिक महत्व के हैं, तो कुछ की ऐतिहासिक महत्ता है। हमारी भारत भूमि प्राकृतिक सौंदर्य की खान है। पर्वतीय स्थलों का सिरमौर है कश्मीर। यहाँ सुषमा हस्ती है, सौंदर्य बिखरता है। झील के स्थिर पानी पर सूरज की स्वर्ण लहरी थिरक उठती है। इसके अतिरिक्त भारत के आंचल में प्रकृति ने अपना अतुलित सौंदर्य समेटा है, जो अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, गसौनी, दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी, माउंट आबू आदि पर्वतीय स्थल प्राकृतिक छटा से भरपूर है। उत्तरांचल अद्भुत है तो दक्षिण भारत की अपनी निराली ही छटा है। तमिलनाडु, बेंगलोर, कन्याकुमारी आदि का सौंदर्य अवर्णनीय है। यदि विदेशों का देशाटन संभव नहीं तो स्वदेश भ्रमण तो आप कर ही सकते हैं। आपके ज्ञान, आत्मविश्वास व सौंदर्य में चार चांद लग जाएंगे। अतः जब भी समय मिले प्रकृति की गोद में जाइए, गहन सुख की अनुभूति होगी।